आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। टाटानगर स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास यार्ड में 8 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। रेल पुलिस और आरपीएफ की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी ओडिशा के कटक का रहने वाला सीलन कुमार जैना 32 उम्र बताई जा रही है। रेल पुलिस आरोपी से थाने से पूछताछ कर रही है। वही पीड़िता को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी उड़ीसा से जमशेदपुर काम की तलाश में आया था। इसी बीच वह शराब पीने के लिए जुगसलाई स्टेशन रोड स्थित 56 भोग के पास गया था। वहां उसे बच्ची टहलते हुए दिखाई दी। उसने बच्ची को कुरकुरे खिलाने का लालच दिया और अपने साथ आउटर के पास यार्ड में खड़ी एक कोच में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच बच्ची की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां जमा हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। इसकी सूचना रेल पुलिस को दी गई। इसके बाद तत्काल आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर अपने साथ ले गई। सूचना मिलने पर रेल एसपी पुष्कर और डीएसपी जयश्री कुज्जू टाटानगर रेल थाना पहुंचे और आरोपी से पूछताछ की। बता दें कि पीड़िता बच्ची अपनी मां के साथ स्टेशन क्षेत्र में ही रहती है और इधर उधर मांग कर अपने जीवन यापन करती है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए GVN24 न्यूज के साथ।